इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं दर्शनोदय अतिशय क्षेत्र थुवोंजी कमेटी। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं 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 क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राभे द्राभे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रत्रयलेन जिनभिषेचयामि। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां त्रीं त्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ॐ नमो रं झां छीं छ्वीं हं सं झं वं हा यः सः छां छीं छूं छे छों छों छं छः श्रां रां ह्रीं रूं ब्रीं रूं रं रः द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकं शिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादत सद्धर्म श्री वलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वाशेष परशेष वर्ग प्रसिदन्तु नः। ओम ह्रीं श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशते अरहंतो भगवता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देह अस्माकं इह मृत च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु इह मृत च सिद्धिं पृच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समुश्रण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादोष सहिताय सच्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमदनाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भ्रमर प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आदिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोपसर्ग विनाशनाय घाती करम शयंकराय अजराय अव्वाय अस्माकम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय आचार्य भुवन गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज परम पूज्य आर्य रत्न श्री अनंतमती माताजी अंतरमती माताजी निर्मलमती माताजी अनर्घमती माताजी आर्य रत्न श्री आदर्शमती माताजी समस्त त्यागव्रती जन श्रीमान काका हुकुम चंद जी कोटा श्री राजेंद्र कुमार जी प्रकाश जी प्रतीक जी हरसौरा परिवार कोटा श्री कैलाश जी अशोक जी अनुराग जी समस्त कोटा परिवार श्रीमान गोपाल जी वकील साहब श्रीमती रानी जम्बू जी सर्राफ श्रीमान नेहाल जी परिवार कोटा श्रीमान काका जी मिंटूला जी अभय कुमार जी प्रदीप जी विकास जी सालू जी अनिल जी जैकी जी समस्त भारत परिवार मातेश्वरी कुसुम देवी जी सुनील कुमार जी संजीव कुमार जी मनीष जी सीमा जी कविता जी अंजू जी रिंकी जी अभिनव जी सेजल जी अंशी जी निन्नी जी गहना जी लिपि जी समस्त श्रृंगार कैंटीन परिवार श्रीमान कपूर चंद जी के आरोग्यार्थम श्रीमान अनिल जी दिवाकर श्रीमती अलका जी आयुष जी आकांक्षा जी दिवाकर समस्त सागर परिवार श्रीमान उमेश जी सुलेखा जी अंकित जी डॉक्टर अविनाश जी अनुश्री बिटिया सनाया जी सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हुए कांसल परिवार व्रती श्राविका श्रीमती ब्रह्मचारिणी प्रणन्या जी अनिरुद्ध जी रेसु जी बिटिया चेतना जी पुणे अमेरिका परिवार इंजीनियर सोहिल जी आकांक्षा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल रायपुर श्रीमान राजीव जी लखनऊ के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करते हुए समस्त उपस्थित श्रद्धालुजन समस्त देशस्य समस्त राष्ट्रस्य श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानं सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं अस्य औषा नद्विधये नमो रन्तां रौं सर्व
सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्लीवलासम सकल सुख फले द्रावित्वा सनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपम उपनयातनु तच्छ कीर्तिम सिद्धिम विद्धिम समिद्रिम पतियत तरणे स्फुरदुर्चयी प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितुरता जगता मुक्तमा शांति धारा। ओम ह्रीमस्त प्रातिहारे मध्ये छत्रत्रय प्रातिहारे स्थापयामि जय। ओम ह्रीमस्त प्रातिहारे मध्ये चतुःषष्टि चवर प्रातिहारे स्थापयामि जय हो। हम सब चांदखेड़ी कमेटी के सभी पदाधिकारी और पुण्योदय अतिशय क्षेत्र दादाबाड़ी नसैन जी के पदाधिकारी, पूज्य बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। पिछले काफ़ी वर्षों से मेरा यहाँ आना होता है, भगवान के दर्शन करने का लाभ मिलता है, सौभाग्य मिलता है, किंतु मैं ये देख रहा हूँ जैसे जैसे मेरे आने की फ्रिक्वेंटली संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ का आनंद दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मैं पिछली बार आया था उस दिन शांति धारा करी थी और उस दिन से और आज मैं मतलब मल्टीपल टाइम ज़्यादा आनंद आज मुझे प्राप्त हुआ है। और ऐसे बड़े बाबा आदिनाथ भगवान यहाँ विराजमान है जिनकी छवि देख कर सोते ही ध्यान मग्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात नंदीश्वर द्वीप में हम लोग मौजूद हैं। वहाँ पर 500 धनुष के जो रत्न जड़ित प्रतिमा है उनके दर्शन कर रहे हो, ऐसा ये पावन तीर्थ है और यहाँ आकर हम सब लोग अपने आप को धन्य समझते हैं और अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरण शीघ्रता शीघ्र त्रिवेणी जी तीर्थ पर पढ़ें और अगला चतुर्मास पूज्य महाराज श्री का त्रिवेणी तीर्थ पर ही हो और स्वभावक संस्कार शिविर भी त्रिवेणी तीर्थ पर ही संपन्न हो और ऐसा आनंद हो और ये क्षेत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त हो, नए नए जिनालय का निर्माण हो और जो पुराने जिनालय हैं उनका भी मॉडिफिकेशन हो और ये क्षेत्र हिंदुस्तान के सर्वोत्तम तीर्थों में गिना जाए, ऐसी मेरी मंगल भावना है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है, इतना बड़ा स्थान है कि देखते बनता है और यहाँ बड़े बाबा के यहाँ जब दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं। कल रात को भी हम आए तो मात्र दर्शन करने थे पर देखते ही देखते हम 1.5 घंटे तक हम लोगों ने यहाँ भक्ति की, इतना मन लगा यहाँ पर, किसी की यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। 10 बजने के बाद जब हमने लगा कि अब तो पुजारी जो चौकीदार को भी जाना है उसको भी ताला लगाना है, तब हम लोग यहाँ से उठ के गए। इतना आनंद यहाँ आया जबकि न कोई हमारे पास संगीत था, न कोई म्यूजिक था, कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी इतना आनंद आ रहा था। ऐसा कोई अलौकिक शक्ति यहाँ इस क्षेत्र पर, इस यहाँ इस भूमि में ऐसी एनर्जी है, ऐसी ऊर्जा है जिसको यहाँ आती है, ऐसी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और इतना आनंद आता है। ऐसे तीर्थ पर मैं अपने आप को यहाँ पाकर धन्य अपने आप को समझता हूँ और बड़े बाबा के चरणों में यही निवेदन करता हूँ कि बार बार मुझे यहाँ आने का अवसर मिलता रहे, भगवान की शांति द्वारा अभिषेक करने का अवसर मिलता रहे, भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता रहे, इसी मंगल भावना से। और सारे हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी, हमारे विजय भाई जो हमारे युवा साथी हैं और हमारे संस्कार शिविर के साथी हैं और पूज्य महाराज जी से मेरे से भी पिछले 15 सालों से ज़्यादा पहले से जुड़े हुए हैं, ऐसे विजय भाई को पाकर मोदी जी हैं। हमारे शैलेश भाई ने आज भजनों के माध्यम से हमें जो आनंद दिया वो तो अलौकिक है। और शैलेश भाई जब दीक्षा जयंती पे और पिछली परिवर्तन पर जब आते हैं और अपने भजन के माध्यम से जो क्षमा बांधते हैं वो तो बहुत ही अलौकिक होता है। मैं सभी पदाधिकारी कमेटी के पदाधिकारियों का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से हमें आज का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे दर्शनोदय अतिशय क्षेत्र थुवोंजी कमेटी।